हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक बावलापुरी। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। तो आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसके काफी सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो फूड को इनटेक किया जा रहा है, उसके लिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करेंगे, राइट? फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी फूड इनटेक किया, हमने कुछ खाना खाया, शाही पनीर, बटर नान, कुछ भी खाया, तो वो फूड आप सबसे पहले अपने माउथ में रखोगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम अपने फेवरेट डिशेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। एक्चुअली वो सिर्फ पानी नहीं है, वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं सलाइवा, है ना? तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला कि जब भी हम किसी फूड को इंटेक करेंगे, तो जैसे ही वो फूड हमारे माउथ में जाता है, तो हमारे जो टीथ है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम स्टार्ट करेंगे। और जब सिर्फ और सिर्फ फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है बिना किसी भी केमिकल या बिना किसी भी एंजाइम की मदद से, तो इस तरीके के ब्रेक डाउन को फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, इट विल बी कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। तो सबसे पहले मैं डाइजेशन की डिफाइन आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर लिख रहे हैं डाइजेशन। क्या मतलब होता है डाइजेशन का? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल into simpler substances, right? तो इसका मतलब है digestion में जो complex food material हमने intake किया था, उसका हमारी body के अलग अलग parts में जाकर breakdown होगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमने जब food को intake किया था, तो जो हमारे teeth है ना, सबसे पहले teeth उस food को breakdown करते हैं। सबसे पहले टीथ फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो एक बार टीथ की अरेंजमेंट देख ली जाए, ये मैंने ऊपर वाला जो यानी कि अपर जॉ बनाया है ना, इसके अंदर आप देखोगे कुछ इस तरीके से टीथ की अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर ये जो दो है, दीज आर, इनको कहते हैं इनसिजन्स, दीज आर इनसिजन्स, ठीक है? फिर आता है कैनाइन, दिस इज कैनाइन। फिर यहाँ पर दो जो दांत आएंगे वो होते हैं प्री मोलर्स, एंड देन यहाँ पर तीन दांत होते हैं जिसको हम कहते हैं मोलर्स, ठीक है? तो एक तरीके से जब टीथ की अरेंजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें मैंने बोला दो इंसिजर्स हैं, ये मैं सिर्फ 1/4 हिस्से की बात कर रही हूँ। दो इंसिजर है, एक कैनाइन, फिर दो प्री मोलर्स एंड तीन मोलर्स। तो हमारा जो डेंटल फॉर्मूला बना, यानी कि डेंटल मतलब टीथ के बारे में बात कर रहे हैं माउथ के अंदर, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2-1-2-3, टू इंसिजर, वन कैनाइन, टू प्री मोलर्स एंड थ्री मोलर्स। तो ये हमने सिर्फ 1/4 पार्ट के बारे में बात की थी। जो टोटल हमारे मुंह में दांत होते हैं, इट कुड बी 32, ठीक है? तो हमने यहाँ पर देखा 2-1-2-3, इस तरीके से हमारे टीथ की अरेंजमेंट होती है हमारे माउथ में। और जो टीथ की मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है बिना किसी केमिकल की इन्वॉल्वमेंट के, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है? लेकिन मैंने बोला था कि जब हमने फूड को इंटेक किया, तो हमारे माउथ में एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया था, सलाइवा। तो इसका मतलब है कि हमारे माउथ के अंदर एक तो टीथ प्रेजेंट है, देन टंग के बारे में भी हम बात करेंगे, और अभी मैंने बोला सलाइवा प्रोड्यूस किया गया है, और उसको प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड है उसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होगा? सलाइवरी ग्लैंड। तो जब हमने फूड को इंटेक किया, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट कर देता है सलाइवा को, एंड इस सलाइवा में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर होगा वाटर, म्यूकस, एंजाइम्स एंड आयंस, ठीक है? तो वाटर का काम क्या है? वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा ताकि फूड का ब्रेकडाउन हो सके। म्यूकस क्या करेगा?
जो अपर कैविटी होती है हमारे पूरा जो माउथ है, जो ओरल कैविटी है, उसमें आप देखोगे पूरा ऊपर का सरफेस चिकना होता है। वो क्यों ऐसा है, क्यों इतना स्टिकी है, वो म्यूकस की वजह से है। और इसका होना इसलिए जरूरी है ताकि जो फूड है वो आसानी से हमारे माउथ से स्टमक तक विद द हेल्प ऑफ इसोफेगस जा सके। ठीक है, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो वाटर का काम था एक मीडियम प्रोवाइड करवाना फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, म्यूकस का काम है फूड को एक साथ चिपकाना, एडहेर करना, एंजाइम्स का काम है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हमने इनटेक किए हैं उनको ब्रेक डाउन करें, और आयंस क्या करते हैं, ये पीएच मेंटेन करते हैं। आयंस क्या करेंगे हमारे माउथ में, पीएच मेंटेन करेंगे। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज करेगा क्या हमारे माउथ में, किसका ब्रेक डाउन करवाता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, उसका एक एग्जांपल है स्टार्च। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है सलाइवरी अमाइलेज। और कितनी पीएच पर काम करता है वो, 6.8। कितनी पीएच पर काम करेगा, 6.8। और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल शुगर जिसका नाम होता है माल्टोस। ये क्या है, दिस इज अ सिंपल शुगर। तो हमने ये पढ़ा है, सबसे पहले जब हमने फूड को इंटेक किया हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट है वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा। सलाइवा के अंदर ये सब कंपोनेंट्स होते हैं, और जो जो एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है वो 6.8 पीएच पर स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोस शुगर। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के ब्रेक डाउन की बात की है माउथ में। ठीक है, अब जो भी फूड ब्रेक डाउन हुआ है उसको एक साथ मिक्स, प्रॉपर थोरोली मिक्स करना वो कौन करेगा, वो टंग करती है। ठीक है, तो म्यूकस के साथ फूड कंप्लीटली मिक्स हो चुका है विद द हेल्प ऑफ टंग। अब आगे वो जो फूड था माउथ से कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, लेट्स से ये माउथ था, हमने फूड को इंटेक किया। नाउ अब ये फूड कहाँ जा रहा है हमारे माउथ से, फूड पाइप में, एंड दिस फूड पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस। इस फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, दिस इज फूड पाइप, राइट। जब वो फूड ब्रेक डाउन हो चुका है हमारे माउथ में, हालांकि वो सिर्फ 30% स्टार्च ही ब्रेक डाउन हुआ है, बाकी ना प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ ना फैट का ब्रेक डाउन हुआ, सिर्फ स्टार्च, क्योंकि एंजाइम ही एक था जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो अब वो फूड एक साथ चिपक के म्यूकस की मदद से बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया है, कहाँ आ रहा है, फूड पाइप में। लेकिन फूड पाइप से वो स्टमक में कैसे जाएगा, फूड पाइप से वो स्टमक के अंदर कैसे एंट्री ले रहा है ना। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो फूड पाइप है उसमें बहुत सारी मसल्स हैं, एंड दीज मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग रिदमिकली, यानी कि रिदमेटिकली, बिल्कुल रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन ऐसा चल रहा है ना। तो फूड पाइप की जो मसल्स हैं क्योंकि वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तो उसी की वजह से जो माउथ का फूड था अब वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, स्टमक के अंदर। और स्टमक एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जे शेप्ड होता है और एक्सपेंडेबल है, जैसे ही फूड आता है स्टमक के अंदर थोड़ा सा खुल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि फूड पाइप के अंदर कुछ मसल्स होती हैं, इन मसल्स का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस वजह से फूड फूड पाइप से आ जाता है स्टमक के अंदर। कैसे, लेट्स से ये फूड है ना, और ये क्या है, फूड पाइप। तो फूड नीचे कैसे आ रहा है, क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, मसल्स रिदम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, एज अ रिजल्ट जो फूड होगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है मसल्स की उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस या फिर पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस, SIS। तो फटाफट से लिख लेते हैं क्या है पेरिस्टेल्सिस, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, मसल्स ऑफ ईसोफेगस
क्यों हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन? ताकि वो फूड को पुश कर सके इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन में. टू पुश द फूड, टू पुश द फूड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि फूड को आगे की डायरेक्शन में मूव किया जा सके, पुश किया जा सके. इसीलिए फूड पाइप की यानी ईसोफेगस की मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड द फूड इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द स्टमक. और स्टमक की शेप क्या बताई थी मैंने? जे शेप्ड होती है स्टमक. ठीक है, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे और जितना भी फूड था वो कहां पहुंच चुका है? म्यूकस के साथ मिलके स्टमक के अंदर पहुंच चुका है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट से स्टमक के अंदर क्या होगा, कौन कौन सी चीजों का ब्रेक डाउन होता है. तो देखिए स्टमक के अंदर तीन स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ये था फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस. ईसोफेगस कहां पर आके खुलेगा? जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्टमक. ठीक है, दिस जे शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक. अब इस स्टमक के अंदर ना तीन पार्ट्स हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट से. ये होता है फंडस, वैसे चार होते हैं, बॉडी में होता है फंडस, दिस इज कार्डिया एंड दिस इज पाइलोरिक. पाइलोरिक है ना, तीन पार्ट्स है. 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपको बहुत ज्यादा नाम याद नहीं हो रहे इनके पार्ट्स के तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है. अब इन्हीं पार्ट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. तीन तरीके की सेल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. एक यहाँ पर आप पढ़ोगे सबसे पहले म्यूकस नेक सेल. म्यूकस नेक सेल, नाम से पता चल रहा है कि ये म्यूकस को सिक्रेट करेंगे. किसको रिलीज करते हैं ये? म्यूकस को. दूसरा होता है पेराइटल सेल. पेराइटल सेल ये क्या करेंगे? इनका काम क्या है? HCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करना. थर्ड होता है पेप्टिक सेल. पेप्टिक सेल ये क्या करेंगे? पेप्सिनोजन एंजाइम्स को, पेप्सिनोजन एंजाइम को रिलीज करेंगे. देखिए क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस हो गया है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो पीएच होती है हमारे स्टमक की वो 1.8 होती है. कितनी? 1.8 यानी कि एसिडिक. अब उस एसिड से हमारे स्टमक को प्रिवेंट करना है, बचाना है. कौन बचाएगा? ये म्यूकस. तो हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस की लेयरिंग होती है एंड दिस म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक. तो म्यूकस का फंक्शन पता चल गया. अब HCl का क्या फंक्शन है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत क्या है? बल्कि जब ये जो एसिड का अमाउंट हमारे स्टमक में ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है. तो व्हाट इज द यूज ऑफ HCl? कोई फायदा है? है. देखिए सबसे पहला फायदा, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा. जो भी अनडिजायरेबल पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ जाते हैं ये उनको किल करने में हेल्प करेगा. दूसरा, पीएच को मेंटेन कर रहा है. अब इस पीएच को मेंटेन करने का काम क्या है, जरूरत क्या है? ताकि ये जो एंजाइम आप देख रहे हो पेप्सिनोजन, जिस भी एंजाइम के लास्ट में जन लिखा होगा तो वो इनएक्टिव है ना. तो ये जो एसिडिक पीएच है वो जरूरी है पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम में बदलने के लिए. यानी कि ये कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजन एंजाइम को किसमें? एक्टिव एंजाइम में, जिसका नाम है पेप्सिन. क्या नाम है? पेप्सिन. क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर देखा कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए और पैथोजेंस को किल करने के लिए HCl की जरूरत. नाउ अब पेप्सिनोजन का क्या यूज है? पेप्सिनोजन किस में बदल गया है? पेप्सिन में. पेप्सिन पता है क्या करेगा? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स को पेप्टाइड में या सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन एंजाइम का होता है. कौन से एंजाइम का? पेप्सिन. तो आपको ये याद रखना है कि स्टमक के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम रिलीज हो रहा है जिसका नाम है पेप्सिन. पेप्सिन का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना. और दूसरा पॉइंट, पेप्सिन तभी काम करेगा जब एसिडिक पीएच होगी. एसिडिक पीएच में ही पेप्सिन एक्टिव होता है. तो स्टमक के अंदर किस चीज का ब्रेक डाउन हो गया? प्रोटीन्स का. किसमें? पेप्टाइड्स में. ठीक है,
तो जितना भी फूड हमारे माउथ में था वो फूड पाइप में गया, यानी कि ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक में प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया। नाउ अब जो भी थोड़ा डाइजेस्टिव फूड है, ब्रेक डाउन जो हो चुका है, वो स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सी शेप स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, अब ये सी शेप स्ट्रक्चर ऐसे करके आगे चल के ना कॉइल हो जाता है ना, और ये बनाएगा जेजुनम। फिर जो हाईली कॉइल्ड है वो ईलियम है। देन यहाँ से इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जो भी फूड था अब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसके अंदर होगा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन चलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है, और उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन, यहां पर सिक्रीशन आती है लिवर से, बाइल जूस। और दूसरा रीजन, यहाँ पर एंजाइम्स आते हैं पेनक्रियास से, है ना, पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू। लेकिन मैंने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये यहाँ पर आकर इस तरीके से रेक्टम में टर्मिनेट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि यहाँ पर ये पूरा जो पोर्शन है वो एक कैनालिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन कहीं इसमें लिवर और पैनक्रियास तो दिख ही नहीं रहा, तो उसका मतलब लिवर और पैनक्रियास क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है लिवर, एंड हियर इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैनक्रियास। ठीक है, तो हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आ रही है। मैंने बोला लिवर से आएगी। क्या होता है लिवर से, क्या आएगा? देखो, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स। इन सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो है टू सिक्रीट बाइल जूस। क्या फंक्शन है इनका? बाइल जूस को सिक्रीट करना। अब ये बाइल जूस क्या करेगा? सबसे पहली चीज, लिवर के सेल्स ने बाइल जूस को बनाया है, सिक्रीट किया है। लेकिन जब भी बाइल जूस को स्टोर करने की बात होती है तो लिवर के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। तो स्टोरेज कहाँ होती है बाइल जूस की? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ पर होगी? गॉल ब्लैडर। ये सभी बच्चों को याद रखना है, बाइल जूस को कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर। तो हमने यहाँ पर देख लिया लिवर से आएगा बाइल जूस। अब बाइल जूस के अंदर होता क्या क्या है? बाइल जूस के अंदर देखो पिगमेंट्स होती हैं, पिगमेंट्स। इसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट्स। इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस के अंदर पिगमेंट्स है, बाइल सॉल्ट है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एंजाइम बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते तो वो एक्टिव हो जाते, क्योंकि ये सारी चीजें एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए जरूरी है। और बाइल जूस में ही एक्टिव हो जाते तो फिर अंदर के कंपोनेंट को ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते, इसीलिए बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो हमने देखा लिवर में सिक्रीट किया बाइल जूस को, बाइल जूस में पिगमेंट्स है, बाइल सॉल्ट है, फॉस्फोलिपिड है। ये पिगमेंट क्या करवाएंगी? कोई फंक्शन होगा इन पिगमेंट का, और इनका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सबसे पहले लिख रहे हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम बाइल पिगमेंट्स का होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो बाइल पिगमेंट्स है वो अकेले ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स नहीं करेगी, उसके साथ ये बाइल सॉल्ट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और फंक्शन यहाँ पर बाइल जूस का होता है, वो कौन सा फंक्शन होगा? इमल्सिफिकेशन के अलावा मेंटेन। बाइल जूस का काम क्या होगा? इट मेंटेन्स द एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन
इंक्लाइंड यानी कि स्लाइटली बेसिक पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एल्केलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं और जो पिगमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि लिवर से बाइल जूस आता है और उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अब पेनक्रियास से एक सिक्रीशन आएगी जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो देखते हैं कि पेनक्रियास से क्या सिक्रीशन आती है। तो इसको रब करने की वजह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। लेट्स सी पेनक्रियास ने क्या क्या चीजें प्रोड्यूस की है। देखिए बच्चों, ये जो पेनक्रियास है ये पेनक्रियाटिक जूस देगा। मैं इसको और नीचे लिख देती हूँ, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्या प्रोड्यूस होगा, पेनक्रियाटिक जूस। नाउ द क्वेश्चन इज, इस पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जबकि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं थे, ठीक है। जो एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे वो सभी इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? इनएक्टिव। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, जेन का मतलब यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाइलेज एंजाइम भी मिलेगा, यहाँ पर लाइपेज एंजाइम भी होगा, ठीक है। न्यूक्लियोसाइडेज, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इनएक्टिव है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे तब जाकर वो एक्टिव होंगे और क्या करेंगे, अपनी रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि जब ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होकर ट्रिप्सिन में बदलेगा तो जो पेप्टाइड्स थे जो स्टमक में बने थे उनको अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम ट्रिप्सिन का होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको अमीनो एसिड में, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अमीनो एसिड्स। तो किसने बनाया है अमीनो एसिड? ये ट्रिप्सिन ने बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर जो भी फैट है या लिपिड्स है इनके बारे में बात करूंगी तो इनको फर्दर जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है वो लाइपेज करता है ना। तो लाइपेज ये कौन सा एंजाइम है? जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको फर्दर स्मॉलर लिपिड्स में, प्लस और क्या चीजें यहाँ पर बनते हैं, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आप यहाँ पर याद कर सकते हो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो जो भी फैट का ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स फैट का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो वो सिंपल ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा या फैटी एसिड जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ये लाइपेज एंजाइम का काम है, ठीक है ना। फिर इसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज डीएनए आरएनए को यानी कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेकडाउन करेगा, और अमाइलेज का काम तो स्टार्च को ही ब्रेकडाउन करना होता है। स्टार्च को ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? अमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल शुगर कौन सी बन रही थी? माल्टोज शुगर बन रही थी, ये हमने माउथ में देख लिया था ऑलरेडी, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी एक्टिविटी होती है, एंजाइम के रिएक्शंस होंगे, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि सिंपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि वो आसानी से अब्सॉर्प्शन कर सके। तो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विलाय कहा जाता है। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाय। ये जो विलाय है इनका मेन जो पर्पस है, मेन जो फंक्शन है वो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टेड फूड की। और जैसे ही ये विलाय डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इनके चारों तरफ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बिकॉज दीज आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल, तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा जो कि विलाय ने एब्जॉर्ब किया है, राइट, वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। और ब्लड वेसल्स का काम होता है कि उस एब्जॉर्ब फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले डाइजेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, देन विलाय ने एब्जॉर्प्शन करवाया है, क्योंकि विलाय को चारों तरफ बहुत सारी वेल डेवलप्ड
ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये जो एब्जॉर्ब फूड है उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी, उसको कहते हैं सर्कुलेशन या फिर एसिमिलेशन। एज अ रिजल्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होगा? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्लियर हो गया? तो डाइजेशन के इस पूरे टॉपिक में या फिर जो चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, इसमें एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन स्मॉल इंटेस्टाइन के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे। वो क्वेश्चन क्या होगा कि जो हर्बीवॉर्स हैं दे हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवॉर्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर्बीवॉर्स को सेल्यूलोज से बने हुए मटेरियल्स को डाइजेस्ट करना होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है? जबकि जो कार्निवॉर्स है वो फ्लैश ईटर्स होते हैं, यानी कि वो मीट खाते हैं, और मीट को डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली आसान है, राइट? दूसरा, मैंने ये विलाय के बारे में पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन कर सके। सो दिस इज ऑल इन द टॉपिक डाइजेशन। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।